और जिस भाषा की लिपि नागरी लिपि है वह है हिंदी भाषा, और उसे राष्ट्रभाषा का साथ देना चाहिए। राष्ट्रभाषा यह रचना ही 14 सितंबर 1949 के दिन यह निश्चय किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दे। उस समय देश भर के कार्यालयों में कार्यालयीन भाषा की अंग्रेजी, और इस अंग्रेजी भाषा को बदलकर हिंदी भाषा को लाना एक दिन की बात नहीं थी, उसको समय लगने वाला था। इसलिए कुछ दिन तक ये कार्यालयीन न्यायालयीन क्षेत्र में अंग्रेजी का उपयोग होगा, धीरे धीरे हिंदी लागू की जाएगी, ऐसा निश्चय किया गया। लेकिन हमारे ऊपर अनेक वर्षों तक अंग्रेजों का साम्राज्य होने का परिणाम ऐसा हुआ कि हम अंग्रेजी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। हमको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी के बिना हमारे देश की प्रगति नहीं होगी। हमारी अवस्था कैसी भी मालूम है, पिंजरे में एकाध पक्षी को हम अगर बंद कर देते हैं, वर्षों तक बंद करने के पश्चात उसका दरवाजा खोल दे, वह खुलकर जा नहीं सकता, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मेरा विश्व ही इतना है। और हमारी भी परिस्थिति यही हुई कि हमको भी ऐसे लगने लगा कि हमारा विश्व है अंग्रेजी के बिना पूरा होता ही नहीं। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है अंग्रेजी भाषा के बारे में, अंग्रेजियत के बारे में। हम अंग्रेजी को छोड़ते नहीं, अंग्रेजियत को छोड़ने को तैयार नहीं। कवि कहता है कि तेरा सोना तैयार, तेरी चांदी गई, तेरे हीरे मोती रात गए, अंग्रेज लुटेरे लूट गए, बदले अंग्रेजी जान गए। यह ऐसी अंग्रेजी हमारे पर थोप है कि आज भी आपको उत्तर उत्तर ऐसी अवस्था होने लग गई है कि प्रत्येक पेरेंट्स सोपानों को ऐसे लगने लगता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि आप अगर परीक्षण करेंगे कि जितने उच्च पदों पर अधिकारी लोग हैं, उन सारे अधिकारियों में से अधिकतम अधिकारी यह स्वभाषा में से पढ़कर आगे आए हुए हैं, राष्ट्रीय भाषा में से पढ़कर आगे आए हुए हैं। ये अंग्रेजी तो हमको लानी ही है। मैं ये नहीं कहूंगी बच्चों कि अंग्रेजी भाषा का हमें आह्वान करना है, यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसको सम्मानित करना ही चाहिए। अंग्रेजी ही नहीं तो दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमारी निजी भाषा अपनी होनी चाहिए, और वह केवल हिंदी, और हिंदी के बिना और कोई भी नहीं हो सकती। यह हमारा अभिमान है, यह हमारा गर्व है। हिंदी की खासियत यह है कि इन्हें अनेक प्रांतों में चलने वाली अनेक भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखने वाली अगर कोई भाषा है तो वह मात्र हिंदी है। ऐसे मैं नहीं, महात्मा गांधी कह चुके हैं। उनका तो कहना यह था कि राष्ट्रभाषा के बिना हमारा राष्ट्र गूंगा है। देखिए, छोटा सा विश्व में एक छोटा सा राष्ट्र जापान, इतना सा राष्ट्र है। अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो उसमें छोटा सा राष्ट्र दिखाई देता है, वो जापान। जापान ने अपनी भाषा बुद्धिगत की, और वह पूरा कारोबार अपनी भाषा में करते हैं। हमको एक ऐसा भय है कि हम हिंदी भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी भाषा किसी भी जगह पर कमजोर नहीं है। केवल हम कमजोर है, हमारी बुद्धिमत्ता कमजोर है, इसलिए हम ऐसे लगता है कि इस भाषा से हमारी प्रगति नहीं होने वाली। हम चाहते हैं तो इस भाषा के माध्यम से हर चीज में, हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। हमारी भाषा हमारा अभिमान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि
अपनी भाषा की ओर अलक्षित होने की वजह से, अन्य भाषाओं को सिखाने की वजह से और उसी भाषा का प्रयोग करने का परिणाम ऐसा होता है कि हमको कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। देखिए विजयलक्ष्मी पंडित हमारे प्रथम मंत्रिमंडल भी स्वतंत्रता के पश्चात बनेंगे प्रथम मंत्रिमंडल की मंत्री। विदेश गए, वहां जाने के पश्चात वहां पर विदेशी कार्यालय होता है, उस कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। उन्होंने सारे प्रमाण पत्र अंग्रेजी में दिए, वहां के लोगों ने यह प्रमाण पत्र नाकार दिए। उन्होंने कहा कि आपकी राष्ट्रीय भाषा जो है भाषा में प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपने अंग्रेजी में कैसे लाए, क्या आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है कोई। उनको लज्जित होना पड़ा। तुरंत हमारे देश के अधिकारियों से संपर्क करना पड़ा और कुछ ही दिनों में यहाँ से आज तक जैसे जो सुविधा नहीं थी, फिर भी जो सुविधा थी उन सुविधाओं के माध्यम से सारे प्रमाण पत्र हिंदी में करके भेजे गए। इसका कारण क्या है कि हमारे ऊपर की अंग्रेजियत की जो असर है वो असर ही हमारा कम हुआ नहीं है। श्रीमान रवि गौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर थे, जो रूस में, रूस है रशिया, वहां जाने से पूर्व वहां जो हमारे राजदूत हुआ करते हैं उन राजदूत उस राजदूत के साथ वहां के प्रधान लोगों ने प्रमुखों ने संपर्क किया कि आपका अभिवादन क्या है, आपका आपकी वहां की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हम देवी गौड़ा जी आ रहे हैं उनके साथ किस भाषा में संपर्क करें वगैरह वगैरह की पूछताछ की। देवी गौड़ा जी गए विमानतल पर, रूस के प्रधान आए थे, उन्होंने जाते ही अभिवादन हमारे देवी गौड़ा जी ने अभिवादन किया, हेलो उन्होंने पूछा कि आपका अभिवादन अलग सा नहीं है, बताइए हमारा अभिवादन क्या है। नमस्ते, हमको नमस्ते करना चाहिए, लेकिन हमने हेलो हाय सी यू इन शाही इन शब्दों को इतना रूढ़ कर दिया है कि हम हमारे नमस्ते को भूल गए और अभिवादन अपना भूल कर विदेशी अभिवादन करने लग गए। उस समय देवी गौड़ा जी को बहुत लज्जित होना पड़ा और उनको धैर्य आया कि मेरी ही भाषा, मेरी राष्ट्रभाषा मुझे आती नहीं है, ये खेल की बात है। पर वो यहाँ आए, 18 दिनों में उन्होंने हिंदी भाषा सीख ली। हिंदी भाषा इतनी आसान है, इतनी सरल है कि हम कुछ ही दिनों में इस भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं और इस भाषा में अपनी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अनेक बार पता नहीं क्यों इसकी ओर दुर्लक्ष किया जाता है। भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा हमारा गौरव बढ़ाती है। मैं सोलन विद्यालय के प्रशासकों को, संस्थापकों को सही में धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज जो सिलसिला चल पड़ा है कि हर कोई उठता है और अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलता है, हर कोई पालक चाहता है कि मेरा बच्चा थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी सीख जाए तो मैं वाह वाह हो जाता हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। और वो सभी अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं। मैं तुम्हारे पालकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस वातावरण में भी इस विद्यालय में आपको प्रवेश दिलाया और यहाँ के अध्यापकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं सुबह से जो देख रही हूँ, आई सबसे जो देख रही हूँ कि हिंदी में वातावरण बना हुआ है सुंदर सा, सभी बच्चे जैसे कोई हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं
ऐसे सुंदर भाषा में सभी कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। सही सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप आपकी प्रगति करते हैं। प्रचार प्रसार में जो एक आनंद आता है, मैंने खुद ने लिया है। आप वैष्णो माता से पढ़ते हैं, सेमी इंग्लिश है, आपको जिस विषय में अंग्रेजी का ज्ञान अधिकतम होना आवश्यक है, प्रचार ने इसकी व्यवस्था की है। सेमी इंग्लिश प्रकार है, गणित विज्ञान यह विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं और आपकी प्रगति में कोई रुकावट डालने का प्रयास यहाँ पर नहीं है। प्रगति ही प्रगति है, लेकिन अपनी भाषा अपने प्रसंग बताती हूँ। मैं यूपी अध्यापिका, यूपी की परीक्षाओं का आयोजन करना मेरा एक खुद का आनंद का विषय रहा। एक बार क्या हुआ मालूम है, एक तहसीलदार, एक कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर और एक डॉक्टर जो केंद्रीय स्तर पर काम कर रहे थे, ऐसे और एक कई व्यक्ति के ऑफिसर, ये चार लोग हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर हिंदी परीक्षाएं चलती है, आपके यहाँ पर सेंटर है और हमको हिंदी परीक्षा देनी है। इतने बड़े ऑफिसर और हिंदी परीक्षा, उन्होंने कहा नहीं मैडम, आपको तो मुझे हमको मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत शक्का इस बात से थी कि आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को मैं क्या मार्गदर्शन करने वाली हूँ। मैं तो आप उन्होंने कहा कि हमसे बाकी हम बड़े ही बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन इस भाषा की परीक्षा जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। ऐसे हमको सोचना है। केंद्रीय स्तर पर जितने अधिकारी हैं उन सभी को यह उच्च परीक्षा देकर पास करना अत्यावश्यक है। आप हमारे आयुक्त महोदय विनय गांवकर जी से जाकर मिलिए, हमारे कलेक्टर श्रीमान जी श्रीकांत जी से जाकर मिलिए, हमारे मेडिकल ऑफिसर से जाकर मिलिए। किस भाषा में बात करेंगे, हिंदी भाषा में बात करना पड़ेगा और वे अच्छी हिंदी में हमसे संवाद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी हिंदी का अभ्यास किया हुआ है। कारण यह है कि केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को इस भाषा का अवगत होना आवश्यक है। मैं सभी लोगों की परीक्षा के लिए सुपरविजन करने के लिए गई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आए हैं बोलकर मैं खड़ी हूँ, कि मैं आई हूँ बोलकर वो क्यों खड़े हैं। इतना संकोच हो रहा था और उनको लग रहा था कि मैडम आज हमारी आगर परीक्षा पूरी हो गई तो धन्य हो गए। मैं एक घटना क्यों बता रही हूँ कि आगे चलकर निश्चित ही तुम्हारे में से कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई डिप्टी कलेक्टर होगा, कोई IAS अधिकारी होंगे, अनेक प्रकार के अधिकारी पदों पर तुम्हें पहुंचना है और यहाँ पहुंचने के पश्चात अगर आपको ये पूछा जाता है कि आपके पास हिंदी परीक्षा का प्रमाण पत्र है क्या, और अगर वह नकारात्मक उत्तर आपको देने की नौबत आती है तो यह अत्यंत बुरी बात है। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगी, मेरे अध्यापकों से भी निवेदन करूंगी कि अनेक सेंटर ऐसे चलते हैं कि जहां हिंदी परीक्षाओं में सहभागी करवा दिया जाता है। हम अपनी प्रगति के लिए, हम गुणवान हैं, बाहर कीमत भी गुणवान लोगों की ही है, गुण है मार्ग, मार्गवान लोग उसकी कीमत है, प्रमाण पत्र पर 90-99% मार्क है तो हमको साउथ कॉलेज मिलता है, 98% मार्क है तो हमें दयानंद कॉलेज में प्रवेश मिलता है, आगे मेडिकल को जाना है, इंजीनियरिंग को जाना है तो यह प्रतिशत बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि संयुक्त हिंदी या संस्कृत इस विषय को हम अपनाते हैं क्योंकि वो बढ़ाने के लिए
इन विषयों की सहायता होती है। मुझे हरकत नहीं है, मैं इस पर आपत्ति बिल्कुल नहीं लूंगी, लेकिन एक आपसे विनती करूंगी कि हिंदी परीक्षाओं की एक एक प्रमाण पत्र परीक्षाएं को पास करते जाना। महाराष्ट्र हिंदी प्रजा सभा औरंगाबाद और हैदराबाद द्वारा संचालित है, जैसे अभी मेरा परिचय देते समय उल्लेख करवाया गया, ये इसकी परीक्षाएं करती है। बिल्कुल चौथी के बच्चे या पांचवी, ज्यादा से ज्यादा पांचवी के छात्र भी इसमें प्रवेश परीक्षा बोलकर है, छोटी सी पुस्तिका है, वो परीक्षा पास कर सकते हैं। उसके बाद प्रथमा है, मध्यमा है, उत्तमा है, विशारद है। इस प्रकार धीरे धीरे अगर परीक्षा पास करते जाएंगे, सहज अपने इसमें से परीक्षाएं पास हो सकते हैं। जैसे चित्रकला की परीक्षा देते हैं, जैसे अन्य स्पर्धाओं की परीक्षा देते हैं, स्कॉलरशिप की वगैरह परीक्षाएं होती है, इन परीक्षाओं में पास होंगे तो आगामी जीवन में यशस्वी होंगे। आप कहेंगे कि हमको कहा सभी को कलेक्टर और उच्च अधिकारी बनना है, लेकिन हम अगर दूसरे प्रांत में जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि हम आंध्रा में गए, कर्नाटक में गए, ना तो उनकी कन्नड़ हम जानते हैं, ना हमारी मराठी वो जानते हैं, अब ना ही हम पूरी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही वो पूरी अंग्रेजी समझ सकते हैं। आम आदमी नहीं समझ सकता, आम आदमी सभी अंग्रेजी समझेंगे क्या? ऐसे में संपर्क की भाषा कौन सी हो सकती है? हिंदी ही हो सकती है। अगर हम अच्छी से हिंदी बोल पाएंगे तो हम भले किसी भी कार्यालय में जाए, भले किसी भी प्रांत में जाए, इस भाषा से संपर्क कर सकते हैं। अनेक बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ लोग अट्टाहास से या राजकीय कुछ दबाव से पता नहीं क्या है हिंदी का नकार करते हैं। हम रामेश्वरम जा रहे थे, मेरा अनुभव है कि हम तमिलनाडु से गुजर रहे थे, वहां पूरे होटलों में हम आपके हैं कौन इस हिंदी के गीत लगे थे, तो उस समय बहुत फेमस थी, वह सारी फिल्मों के गीत लग रहे हैं और किसी को हम हिंदी नहीं जानता, हम हिंदी में नहीं बोले बोल है, ये क्या बात हो गई? आप ये गीत सुन रहे हैं, आपको हिंदी तो आती है, उसके बिना ये हिंदी गीत कैसे कैसे सुनेंगे आप? लेकिन अच्छा जिसको कहेंगे कि हमको इस हिंदी भाषा को स्वीकारना नहीं है, कुछ लोगों का अट्टहास है। लेकिन अब मीडिया हमारे इतने प्रगत है कि घर घर में, घर के कमरे कमरे में यह मीडिया पहुंच गया है, प्रत्येक के हाथ में मीडिया पहुंच गया है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक एक मीडिया है और वह हिंदी में संवाद करते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए हमारे कई नेता है जो विदेशों में जाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में भाषण करते हैं, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री देश विदेश के दौरे करते हैं और कहीं भी वे अंग्रेजी का उपयोग करते नहीं। क्या मुद्दा उनका मामला क्रमोदय कीमत उनकी? हम दुभाषिया रख सकते हैं, लेकिन वो बराबर हिंदी में ही बोलते हैं। अपने राष्ट्र का अभिमान अपने को होना चाहिए। देखिए राष्ट्र जब स्वतंत्र नहीं था उस समय केवल एकमात्र काम राष्ट्रीय सेवा का था, वह आजादी में सहभागी होना। लेकिन राष्ट्र स्वतंत्र होने के पश्चात राष्ट्र की अनेक समस्याओं के साथ जूझना, राष्ट्र की सेवा करना यह हमारा परम कर्तव्य बन जाता है और अनेक प्रकार की सेवाओं में सर्वप्रथम सेवा यह अधिक मात्रा में अगर कोई है तो अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार। मुझे ऐसे लगता है कि हम सभी मिलकर एक निश्चय करेंगे आज के हिंदी दिन के अवसर पर कि आज से हम सप्ताह में एक दिन तो भी ऐसा तय कर देंगे कि विद्यालय में आज मात्र आपस में हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में गाएंगे, हिंदी में ही खेलेंगे,
हमारी भाषा मृदंगत होगी। कभी कभी मजाक करने वाले लोग क्या करते हैं कि हिंदी में सभी शब्द नहीं है। मैं पूछती हूँ कि अंग्रेजी में चपाती को क्या कहते हैं? चपाती ही कहते हैं। आप एक अंग्रेजी पुस्तक खोलकर देखिए, उसमें चपाती शब्द का ही उपयोग किया गया है। किसी भी भाषा का विकास अन्य भाषाओं के समावेश करने के बिना नहीं होता। हमारी हिंदी में अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, वैसे ही कुछ अंग्रेजी शब्दों का अगर हम उपयोग करेंगे तो कोई हमारी नीति वाले वाली नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप बताइए कि रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? मैंने कहा अगर आपको अगर हिंदी में ही अटैच है तो अपनी शाम का आओ तो जाओ कदर वगैरह वगैरह कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं भाई साहब। आप रेलवे स्टेशन इस शब्द का सहजता से हिंदी में उपयोग करके अपनी भाषा के विकास में और भरपाई कर सकते हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के शब्द अंग्रेजी ने स्वीकारे हैं, अरबी के शब्द हिंदी ने स्वीकारे हैं, फारसी के शब्द हिंदी ने स्वीकारे हैं, उर्दू से हिंदी वृद्धिगत भी है। वैसे ही अंग्रेजी को भी अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जिसको पर्याय नहीं है या पर्याय ढूंढने को चाहे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, ऐसे शब्द उसको ले सकते हैं, उसकी मजाक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम हिंदी बोलते समय एक वाक्य में 5 अंग्रेजी शब्द और 1 या 2 हिंदी शब्द। प्रयत्न करें, हिंदी परीक्षाओं को प्रोत्साहित करें। हिंदी परीक्षाओं के लिए आप नेट पर इसका निकाल सकते हैं। हमारे हिंदी शिक्षक आपके हिंदी शिक्षक मेरे विद्यार्थी है, मुझे बड़ा गर्व लगता है आपके विद्यार्थियों पर और मुझे विश्वास है कि आपके हिंदी अध्यापक निश्चित ही आगे चलकर हिंदी परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। आपके विद्या मैडम यह भी हमारे अभिदार्थी ही है और बाकी सभी मेरे सरकारी अध्यापक बड़े हिंदी के नाम होंगे, लेकिन हिंदी विषय अगर उनका नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हिंदी परीक्षाओं में सहभागी हो, आगामी जीवन में यशस्वी हो। आगामी मैं तो चाहूंगी कि जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे मेरे सामने वे सभी के सभी क्लास 1 ऑफिसर वर्ग के देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हो और इस हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाए, यही एक अपेक्षा करते हुए मुझे यहाँ बुलाया गया। हिंदी दिन के बारे में मार्गदर्शन तो क्या, लेकिन संवाद करने का जो मुझे मौका दिया गया उसके बारे में आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद।